नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लेटेस्ट आईपीओ के जीएमपी के बारे में, और इसके अलावा देखें यहाँ पे लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन फिगर क्या रहे। यहाँ पे वारी एनर्जी का और दीपक बिल्डर का आज यहाँ पे फर्स्ट डेट था, तो किस रीत का सब्सक्रिप्शन आया वो भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो वीडियो में यहाँ पे एंड तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ह्यूंडई के बारे में। ह्यूंडई का कल हमें यहाँ पे लिस्टिंग देखने मिलने वाला है, यहाँ पे ट्यूजडे कल आ चुका है और कल यहाँ पे हमें लिस्टिंग होते हुए देखने मिलेगा। और लिस्टिंग से पहले आज यहाँ पे मार्केट गिरने के कारण जीएमपी में हमें थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है, और कल यहाँ पे जो 5% का जीएमपी था वो यहाँ पर घटकर 1.89% हो चुका है, यानी कल जो यहाँ पे 101 रुपीज़ तक जीएमपी पहुँच चुका था। इससे पहले तो यहाँ पर माइनस तक जीएमपी चला गया था और -65 रुपीज़ जीएमपी था वो यहाँ पर बढ़कर 101 रुपीज़ हुआ था, पर फिर वापस से आज थोड़ा मार्केट गिरने के कारण 37 रुपीज़ फिलहाल में हमें यहाँ पे जीएमपी देखने मिल रहा है, यानी 1.89% का गेन फिलहाल में हमें जीएमपी के ट्रेंड के हिसाब से देखने मिलता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कल किस रीत की लिस्टिंग रहती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कई लोग ने यहाँ पे सब्सक्राइब भी किया है। रिटेल में भी यहाँ पे भले 0.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, पर एक काफ़ी बड़ी साइज़ का इश्यू था, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी अमाउंट लगी थी। तो देखते हैं यहाँ पे कल किस रीत से ओपनिंग होती है, जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे दीपक बिल्डर्स के बारे में, तो दीपक बिल्डर में हम यहाँ पे देख सकते हैं जीएमपी हमें बढ़ोतरी यहाँ पे स्टार्ट ही है। कल यहाँ पे 60 रुपीज़ जीएमपी था, वो यहाँ पे बढ़कर हमें 61 रुपीज़ यहाँ पे देखने मिल रहा है, और हमें 3-4 दिन से यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। 43 रुपीज़ से यहाँ पे 55 रुपीज़ का जीएमपी है, और अभी यहाँ पे 61 रुपीज़ का फिलहाल में हमें जीएमपी देखने मिल रहा है। और एक छोटी साइज का एसईओ 260.04 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ रहने वाला है, और 203 यहाँ पे प्राइस बैंड है, इसका भी आईपीओ आज से स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे 30.05% फिलहाल में हमें जीएमपी देखने मिल रहा है, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते हुए ही देखने मिल रहा है। अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी हमें आते हुए देखने मिला। फर्स्ट डे ये इश्यू यहाँ पे 4 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, जिसके अंदर से रिटेलर ने 6.16 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। एचएनआई की अगर बात करें यानी एनआई की, तो 4.27 टाइम यहाँ पे टोटल सब्सक्राइब हो चुका है, जिसके अंदर से यहाँ पे बीएचएनआई के अंदर 3.38 टाइम और एसएचएनआई के अंदर यहाँ पे 6.05 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिल रहा है, और यहाँ पे क्यूआईबी के अंदर 0.50 टाइम हमें सब्सक्राइब होते देखने मिल रहा है। एंकर इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पे पहले ही हमने कल ही बात कर ली थी, 78 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे प्री आईपीओ के अंदर जुटा लिए गए, और अगर फर्स्ट डे की अगर बात करें तो 754.538 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे फर्स्ट डे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें आते हुए देखने मिल रहा है, जिसमें से 561 करोड़ यहाँ पे सिर्फ रिटेल ने सब्सक्राइब किया है। सबसे ज्यादा हमें सब्सक्रिप्शन दिख रहा है वो यहाँ पे रिटेल के अंदर ही हमें देखने मिल रहा है, बाद में यहाँ पे एनआई के अंदर भी 4.27 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिल रहा है। ये एक छोटी साइज का इश्यू है, इसके लिए यहाँ पे हमें ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वारी एनर्जीज के बारे में। वारी एनर्जीज का यहाँ पे देख सकते हैं 1503 का यहाँ पे प्राइस बैंड था, काफ़ी बड़ा इश्यू रहने वाला है 4321 करोड़ का, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल में 1515 रुपीज़ चल रहा है। यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने मिली थी, और यहाँ पे कल 1500 रुपीज़ का यहाँ पे जीएमपी था, जो यहाँ पे सिर्फ 5 रुपीज़ बढ़कर 1515 हो चुका है, और अभी 3018 फिलहाल में हमें जीएमपी देखने मिल रहा है, यानी 100% का मार्क अभी भी यहाँ पे क्रॉस करा हुआ हमें देखने मिल रहा है। अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट डे यहाँ पे क्यूआईबी के अंदर 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एंकर इन्वेस्टर के अंदर हमने कल ही यहाँ पे बात कर ली थी, 1276 करोड़ का यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है प्री आईपीओ के अंदर ही। एनआई के अंदर का देखने जाए तो 8.21 टाइम हमें सब्सक्राइब होते हुए देखने मिल रहा है, यानी 5396 करोड़ की हमें यहाँ पे बीड आते हुए देखने मिल रही है टोटल अमाउंट एनआई के अंदर। अगर बीएचएनआई की बात की जाए तो यहाँ पे 7.53 टाइम हमें सब्सक्राइब होते हुए देखने मिल रहा है, और एसएचएनआई के अंदर यहाँ पे 9.64 टाइम हमें सब्सक्राइब होते देखने मिल रहा है, यानी बीएचएनआई में बात करी जाए तो यहाँ पे 3345 करोड़ रुपीज़ की भीड़ आ रही है, और 2050 करोड़ की हमें यहाँ पे एसएचएनआई में भीड़ आते हुए देखने मिल रही है। अगर रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात की जाए यहाँ पे तो 3.32 टाइम यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी ये जो फिगर है काफ़ी बड़ी फिगर हमें देखने मिल रही है, क्योंकि 5000 करोड़ का यहाँ पे एनआई के अंदर फिगर आना और रिटेल के अंदर 3.32 टाइम यहाँ पे फर्स्ट डे सब्सक्राइब हो जाना, 5000 करोड़ की भीड़ यहाँ पे फर्स्ट डे हमें आते हुए देखने मिल रही है, नहीं काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है वारी एनर्जीज को। अगर रिटेल की बात की जाए तो रिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी 1.66 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो रिटेल में भी यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, और 108 करोड़ रुपीज़ की भीड़ यहाँ पे एम्प्लॉय ने भी लगा दी है, और जो टोटल इश्यू का सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे 10,521 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आते देखने मिल रहा है। पहले दिन ही 3.46 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, ये एक बड़ी साइज का इश्यू है, इसके लिए यहाँ पे 3.46 टाइम भी काफ़ी बड़ी फिगर होती है। 10,521 करोड़ एक स्मॉल अमाउंट नहीं होती है, काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है,
है और काफ़ी बड़ी अमाउंट के लिए पे फर्स्ट डे बिड आ चुकी है। अभी यहाँ पे सेकंड और थर्ड डे बाकी है। जो मेन सब्सक्रिप्शन आता है वो यहाँ पे लास्ट डे हमें देखने मिलता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट डे पे QIV किस तरह से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करती है, रिटेल में यहाँ पे कितना सब्सक्राइब होता है उसके साथ उसके ऊपर से यहाँ पे डिसाइड होगा कि कितने लोग को अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर फिलहाल में यहाँ पे रिटेल के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट डे तक क्या सब्सक्रिप्शन रहता है, जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एफकॉन के बारे में। एफकॉन की भी यहाँ पे प्राइस बैंड आ चुकी है और सुबह हमने इसके ऊपर वीडियो बना लिया था। 463 का यहाँ पे प्राइस बैंड रहने वाला है और 5430 करोड़ का निवारी से भी बड़ा हमें यहाँ पे आईपीओ देखने मिलेगा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जब हमने सुबह यहाँ पे बात करी थी तब 210 का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, पर जो यहाँ पे भी काफ़ी कम होकर 88 हो चुका है। यानी यहाँ पे काफ़ी बड़ी हमें गिरावट देखने मिली, अराउंड 30% से ज़्यादा का GMP था वो यहाँ पर गिरकर अभी यहाँ पे 19% ही हमें देखने मिल रहा है। यानी काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है और 551 रुपीज़ अभी यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने मिल रहा है अगर यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बात करें तो। फिर तो देखते हैं अगले टाइम के अंदर यहाँ पे इसको किस चीज़ का रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में भी हमें गिरावट देखने मिली, कई सारे स्टॉक्स हमें गिरते हुए देखने मिले थे आज। तो देखते हैं अगले टाइम के अंदर यहाँ पे आईपीओ मार्केट में क्या होता है। फिलहाल में यहाँ पे बाकी आईपीओ के GMP मेंटेन है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। पर इसका भी जो आईपीओ अभी फ्राइडे से स्टार्ट होगा तो तब तक यहाँ पे देखते हैं GMP में क्या हलचल रहती है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।